आज इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे एक वो जर्नी, एक वो स्पॉट जो हमने कवर किया है, काली मठ मंदिर जो कि है काली मठ में ही, वो आपको दिखाएंगे विस्तार में और आपको भी बहुत आनंद आएगा और आप समझ जाएंगे कि क्यों हम इसको एक अलग से एपिसोड में पूरा डिटेल में दिखा रहे हैं। तो बिल्कुल एंजॉय करिए और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो जी, आपने अभी तक देखा कि हमने अपने चोपटा ट्रिप के तीसरे दिन में सारी गाँव से दिल्ली के लिए स्टार्ट किया, जहाँ पर हमने अपने पहले हॉल्ट में ओंकारेश्वर मंदिर के दर्शन किए एंड फिर हम पहुँचे गुप्तकाशी दर्शन के लिए और अब हम आगे चल पड़े हैं काली मठ के लिए। तो अगर आपने हमारे पहले दोनों एपिसोड नहीं देखे हो तो उसको जरूर देखिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। रास्ते कुछ मिलते जुलते लग रहे हैं, कुछ नया दिखेगा तो मैं जरूर रिकॉर्ड करूंगी और हम पहुँच जाएंगे सिर्फ 25 मिनट में। और हम लोगों को भूख भी लगने लगी है, तो दो बज चुके हैं ऑलरेडी, तो हम लोग अपना पहला मील खा लेते हैं। तो जो अप्पे बनाए हैं हम उसको खाते हैं सॉस के साथ। वैसे तो हमने सोचा था चाय लेंगे लेकिन चाय यहाँ दिख नहीं रही है और टाइम भी थोड़ा बचाना है। ऐसा जी, ये है हमारा नाश्ता, मतलब लंच जो भी कह लीजिए। ये है अप्पे, वेजिटेबल से स्टफ्ड, एकदम मजेदार, साथ में खाएंगे सॉस। साहब ये देखो भाई, नीचे है नदी, मध्य महेश्वर नदी, और ये देखिए भाई रास्ता, यहाँ जा रहा है हमको। और अब यहाँ देखिए सड़के, एकदम पतली पतली रोड, पहाड़ों से गिर रहा है पानी, ऊपर से देखिए गीले गीले पत्थर जो दिख रहे हैं, पानी निकल रहा है, एकदम कच्चे पहाड़ है, थोड़े थोड़े पत्थर भी हैं, शुद्ध पानी है, शुद्ध पानी एकदम पहाड़ों के बीच से एकदम पानी निकल रहा है। एक दो छींटे हम पे पड़ गई, पड़ भी गए हैं क्योंकि हमारा शीशा है खुला। चलो जी, हमने फिलहाल ये वाली रोड क्रॉस कर ली है और ये एक बार मध्य महेश्वर नदी के भी दर्शन कर लीजिए। फिर से आ गए जी हम मंदिर सिद्धपीठ काली मठ आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत है। लो जी, पहुंच गए मंदिर और ये देखिए यहाँ पे है ब्रिज और ब्रिज के वहीं से हम लोग जाएंगे कवर करते हुए सीधा नदी किनारे। वाह, ये तो भाई एकदम बढ़िया मामला हो गया। ये हम आ गए मंदिर के लिए सीढ़ियों से जाते हुए, घंटियां बंधी हुई हैं, झंडे लगे हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, खूबसूरत मंजर है, मतलब एक प्राचीन मंदिर आपको दिख जाए और उस मंदिर के साथ में आपको नदी बहते हुए दिख जाए तो मज़ा, मतलब क्या ही बोलूँ मैं। तो जी यहाँ पे एक जोड़े का शादी हुआ है, अभी लोग फोटोज खिंचवा रहे हैं मंदिर में, बस थोड़ा सा ये लोग यहाँ से हटते हैं तो हम करते हैं महाकाली मंदिर जी के दर्शन। और ये काली माता जी के मंदिर हमने कर लिए, अब ये आगे बढ़ गए यहीं पे, मतलब ये दूसरा एक मंदिर है बना हुआ और यहाँ पे ये कुछ पुरानी मुनंदी जी की शिवलिंग वगैरह ये सब रखे हैं। और सामने हैं हमारे नंदी जी और ये हम आ जाते हैं अंदर। यहाँ पे इन्होंने जलाई हुई है राख। ये हैं हमारे प्राचीन भगवानों की और ये है धुनी जो यहाँ प्रतिदिन यज्ञ होता है और पंडित जी ने हमारे को ये भस्म भी लगाई है। और जी अब आ गए हम यहाँ पे ही एक और ये मंदिर बना है यहाँ पे, ये है महा सरस्वती जी का और ये है गौरी शंकर जी का मंदिर। यहाँ पे नंदी जी मुझे हर जगह मिल रहे हैं, मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा है नंदी जी को देखकर। और ये देखिए जय गौरी शंकर जी की। और ये है हमारी सरस्वती माता जी की, यहाँ पे बाहर रखे गणेश जी की मूर्ति। और ये है माँ सरस्वती, माँ सरस्वती, तीनों देवी के दर्शन यहीं हो गए, हम धन्य हो गए, धन्य हो गए बिल्कुल। और यहाँ पे है महाकाल जी को कैसे छोड़ सकते हैं, शिव जी का तो हर जगह पे वास है। ओम नमः शिवाय। ये मंदिर मतलब क्या ही बोले, सही बात है, तो ना ही बोले। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और ऊपर भी जा रहा है कि ये भैरव मंदिर का मार्ग, वी विल गो देयर राइट। ये देखिए अभी हम यहाँ पे भी चलेंगे, सारे लोग इकट्ठे हो जाएं।
जय भैरव देव, भैरवनाथ जी की जय। दर्शन करें, चलिए चलिए। बहुत ही प्राचीन है ये, देखिए बहुत प्राचीन है ये, कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा आपको। विदेशों में जाते हैं, मंद बुद्धि है मेरे हिसाब से। और वहाँ के लोग विदेशी लोग विदेशी लोग केरला में आ रहे हैं, और केरला में जो है आयुर्वेद जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते हैं। कलेरी पट्टू वाले जो होते हैं वो लोग जड़ी बूटी देते हैं। आयुर्वेद एक ऐसी चीज है कि जो जड़ से समाप्त कर देती है किसी भी बीमारी को। जी तो बुद्धिमान कौन हुआ? वो लोग हुए, हम लोग बेवकूफ हो रहे हैं। जहाँ लक्ष्मी होती है फिर वहाँ सरस्वती का वास नहीं होता है, जहाँ सरस्वती जी होती है वहाँ लक्ष्मी का वास, दोनों एक साथ नहीं हो सकती। वो बुद्धिमान है वो लोग। यहाँ ये पैसा वाले हैं, पर इनके साथ फिर सीए है ना, सब लोग काम करने वाले नीचे, ये है व्यवस्था। महाकाली का दुकान सुनाता हूँ, थोड़ा आ गया हूँ इसका। महाकाली के मंदिर के रूप में यहाँ पर पहला तो श्लोक आता है स्कंद पुराण में, एक श्लोक है 18 पुराणों में एक पुराण हुआ स्कंद पुराण, इसमें है चैप्टर है बना हुआ केदारखंडम। केदारखंड के अंदर जितने मंदिर हैं, कालीमठ है, गुप्तकाशी है, त्रियोगी नारायण गोपेश्वर, कोई भी मंदिर है, ओकीमठ कोई भी मंदिर है, चूपता, ये सब केदारखंड के अंदर आते हैं। केदारखंड मतलब एक हेड ऑफ बॉस हो गए केदारखंड। तो वो उन्होंने एक चैप्टर बना रखा केदारखंड करके, उसमें कालीमठ का वर्णन आता है। केदार मंडले दिव्य मंदाकिन्याम परे तटे, केदार मंडल के अंतर्गत मंदाकिनी के पिछले तट पे, हम मंदाकिनी के पिछले तट पे, सरस्वत्या तटे सौम्य काली तीर्थ मत स्मृतान, सरस्वती नदी के तट पे काली का तीर्थ बना हुआ, सरस्वती जी बह रही है जी, और उसके बगल में काली का तीर्थ। सरस्वती जी दो जगह हैं, एक तो बद्रीनाथ में विष्णु पुराण में आती है, जहाँ पर माना के पास भगवान भीम ने उनको पांव न टच करने की वजह से भीमपुर लगा दिया था, और जब पांडव लोग स्वर्ग लोक की प्राप्ति और भगवान की प्राप्ति के लिए केदारनाथ भी और बद्रीनाथ भी तो जा रहे थे, तो वहां पर उन्होंने सरस्वती पार करने के लिए भीम ने वहां पर एक पुल लगा दिया। यहां का वृतांत है कि महाकाली ने रक्त बीज का वध करके यहां पर अंतर ध्यान किए, ये यंत्र श्री यंत्र के रूप में माना जाता है। काली यंत्र भी बना है, श्री यंत्र भी बना है। ये अक्टूबर नवरात्र में अष्टमी रात्रि को वर्ष में एक बार खोला जाता है। आश्विन मास के अष्टमी रात्रि के दिन 9 बजे से रात्रि के 12 बजे तक रात्रि के 3 घंटे महानिषाद पूजा की जाती है, जिसमें अंधेरा किया जाता है, लाइट और ये दिया वगैरह सब बाहर करके, क्योंकि माँ भगवती का यहाँ स्वयंभू स्थान है, और देवियों के स्नान की जो प्रक्रिया होती है उसको किसी को भी अलाउ नहीं। यहाँ पर भगवती साक्षात माँ काली, कलयुग में काली का प्रकरण ज़्यादा है, इस वजह से कलयुगो काली प्रकीर्तिता कहा गया है। माँ काली का स्नान हर वर्ष कराने की वजह से अक्टूबर नवरात्र में उसको जल प्रक्षालन करते हैं, पुराने वाला जो जल रहता चढ़ाया हुआ, नए सिरे से जल स्नान कराने के बाद वो भगवती का अंधेरे में ही पूजन किया जाता है। यहाँ से 7 किलोमीटर ऊपर एक जगह है कालीशिला, जहाँ से गाड़ी से उतरे होंगे आप, यहाँ पैदल जाते हैं, वहाँ पर आदिकाल में माँ भगवती तप करने के लिए बैठती हैं, उसके बाद रक्त बीज नाम का राक्षस वहाँ आकर के विघ्न पैदा करता है, फिर भगवती वहाँ 64 यंत्रों के निर्माण करती हैं, जिस 64 यंत्रों में से 64 योग अनिध्या वतन वित्य करत बहरो, ये जय अम्बे गौरी जो आरती बोलते हैं, इसमें एक लाइन आती है, उसकी लाइन में आती है 64 योगिनियाँ जो आती हैं वहीं से उत्पन्न होकर के रक्त बीज का वध करने की उत्तर दिशा की ओर जाती हैं। उत्तर दिशा की ओर जाकर के सभी देवी देवता माँ काली का क्रोध शांत करने का प्रयत्न करते हैं, पर नहीं हो पाता। सभी देवी देवता फिर भगवान शिव की आराधना करते हैं केदारनाथ में जाकर के, आप आएँ और माँ काली का क्रोध शांत करें। वो त्रिगुणात्म रूप शिव थे, उन्होंने आए, और यहाँ से आगे एक जगह कुछ महादेव पड़ती है, वहाँ पर एक बड़ा शिवलिंग है इस मंदिर के एक तिहाई हिस्से के बराबर, उसमें आकर के लेट जाते हैं, और लेट करके माँ भगवती का उनकी छाती के ऊपर पाँव पड़ता है, वहाँ जिह्वा उनकी बाहर आ जाती है, मुझसे गलती हो गई, गलती की वजह से वो जिह्वा बाहर आ गई और एक छाती में पाँव पड़ा, शिव जी लेटे हुए हैं, उसको कहा गया है रुच महादेव, रुष्टता को दूर करने वाले रुच महादेव कहलाए। क्रोध शांत हुआ, ठीक है, उनके साथ जो करोड़ों देवियाँ थी उसको कोटि माहेश्वरी के नाम से जाना गया, कोटि संस्कृत में करोड़ों कहा गया है, करोड़ों देवियाँ वहीं शांत हुई। फिर मुख्य एम था कि मेरा ध्यान भंग किसने किया, रक्तबीज ने किया, रक्तबीज को मारने के लिए फिर नदी किनारे से जो है यहाँ पर आकर के यहीं नदी किनारे में समाप्त करके उसके बाद यहाँ पर, और यहाँ तीनों देवियाँ साथ में थी, महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती। दुर्गा पाठ में तीनों देवियों का वर्णन आता है, जैसे वैष्णो देवी में भी तीन पिंडियाँ हैं, वैसे यहाँ पर भी तीनों देवियों की मूर्तियाँ, इस वजह से ये सिद्धपीठ और शक्तिपीठ दोनों में जाना जाता है। दूसरी चीज़ क्या है कि जितने भी मंदिर गढ़वाल में बने हैं सब बोलते हैं पांडव शैली को, पांडव शैली के बने हैं, वास्तव में पांडव ने बनाए,
पांडव शैली के मंदिर है। इन मंदिरों को प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए आदि गुरु शंकराचार्य केरला के पहले नंबर के दूसरे नंबर के चेन्नई के कांचीपुरम के वो आए और उन्होंने सभी मंदिरों की मूर्तियों को प्राण प्रतिष्ठा किया। उसके बाद वो प्रतिष्ठित हो गई। प्रतिष्ठित होने के बाद उन्होंने लिखा है भारतवर्ष में चार प्रमुख मंदिर हैं जो कौ के नाम से जानते हैं, कालीघाट, कामाख्या, कांचीपुरम, कालीमठ। सब कौ से आते हैं, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण ये दिशाएं भी हैं। पांचवां धाम है स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामकृष्ण परमहंस के जो शिष्य थे उनको हुआ कसारदेवी में दर्शन, कसारदेवी पड़ता नैनीताल के आसपास जी, वो भी बहुत फेमस जगह है। वो भी कौ से आता है, पांच देवियों के मंदिर, ये विशेषता यहाँ की। बहुत बढ़िया, किस्मत देखो किस्मत। पूरा दिन जो आज हमने मंदिरों में समर्पित किया है ना, पंडित जी मिल गए हमको और उन्होंने दिया है हमको एकदम डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन इस काली मठ के मंदिर के लिए, जो कि आप लोग सुनेंगे, आपने सुन लिया होगा अब तक। तो बस क्या चाहिए और, मतलब हम लोग जाते हैं मंदिरों में, दर्शन करते हैं, मत्था टेकते हैं, दान पुण्य करते हैं, प्रसाद देते हैं, आ जाते हैं, लेकिन उस मंदिर की जो आपको महत्वता या वो क्यों बना यहाँ पे बीचों बीच पहाड़ों के बीच में, नदी के यहाँ पे या कहीं पे भी, तो वो जब पता चल जाता है ना तो फिर तो आपको, आप कनेक्ट करते हैं चीज़ों को। बस अब हम लोग बढ़ेंगे आगे, अब तो हम लोग को बहुत ही लेट हो गया है, 3:30 बज चुके हैं। बस समाने वाले हो तुम इसमें, लग रहा है पानी में बहने वाले हो लग रहा है। पानी की क्लैरिटी देखो, डेप्थ देखो और व्यू देखो। मतलब मैंने अभी कश्मीर वाले ट्रिप में बताया था कि लोगों को बाहर क्यों जाना है, मतलब मैं उत्तराखंड में देख के भी यही बात बोलने वाली हूँ कि क्यों जाना है यार, मालदीव क्यों जाना है लोगों को। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मतलब ये पानी तो एक औषधि है, मतलब इसमें अगर डुबकी मार लो पैर वैर दर्द सब प्लीज, इतना ठंडा पानी है, मजा आ गया यार। और पानी इतना साफ है ना, थोड़ा पास से देखो, इतना साफ पानी है यार, मजा आ गया। ये देखो, अब बस चलते सीधा नोएडा, क्योंकि पौने जॉब मिल चुकी है, वो भी योगा टीचर की, फाइनली। इस पे हम चर्चा करेंगे बाद में बताएंगे। 4:15 बज चुके हैं, अब हम जाएंगे सीधा नोएडा, क्योंकि 8-9 घंटे का रास्ता है, अगर 10 घंटे का रास्ता है, बिना ब्रेक भी जाएंगे तो एक तो बजना ही बजना है। यहाँ से निकल रहे हैं, सनसेट भी हो गया है, हो रहा है मतलब इन प्रोसेस। सो अर्ज किया है, एक ना हस्बैंड वाइफ होते हैं, ठीक है, गौर फरमाना, एक हस्बैंड वाइफ होते हैं, तो हस्बैंड अपनी वाइफ को कहता है, नहीं वाइफ कहती है, सॉरी वाइफ कहती है कि सुनो मैं तुम्हें एक जोक सुनाऊं, वो कहती है हाँ सुनाओ। तो हस्बैंड साथ साथ कुछ काम भी कर रहा होता अपना, तो बोलती है कि एक ना कपल होता है, तो उसमें जो उसकी वाइफ होती है वो ना बड़ी शांत स्वभाव की होती है। एक और नजारा देखो भाई, मंदाकिनी नदी को और करीब से देखें, एकदम ग्रीन ग्रीन वाटर। मंदाकिनी नदी के जो आज हमें खुल खुल के दर्शन हुए ना, मजा ही आ गया। रोड्स बहुत बढ़िया बनी है, केदारनाथ रोड है ना ये। ये टनल बन रहा है यहाँ पे, और हमने भैया से पूछा तो उन्होंने बोला कि रेलवे का चल रहा है। हमने अब एक जगह रोक लिया है, 6:45 बजे, हमें भूख लग रही है, सो हमने जो ये अंडे ब्रेड बना के लाए थे, खोलना इसको प्लीज, तो अब हम वो खाते हैं। चाय हमने बोल दी है बाहर से ही, बिना चीनी वाली चाय पियेंगे, अंडे ब्रेड खाएंगे और फिर आगे चलेंगे नोएडा की तरफ। ये देखिए भाई हमारे अंडे ब्रेड की हालात क्या हो गए हैं, और ये चार लोग इसमें नहीं खा पाएंगे, कुछ लोग, दो लोग हैं जो बाहर का खाना खाना चाह रहे हैं भाई। ये देखो हमारे सामने जा रहा है एक ट्रक, और उसके पीछे जा रही है एक थार है, क्या है, थार है। एक थार जा रही है, पहले इस थार की जगह पे हम हुआ करते थे, और बहुत देर तक, आई मीन आई थिंक 5-6 किलोमीटर तक तो हमने इस ट्रक को फॉलो किया और खूब कोशिश करी कि हमें साइड मिल जाए, पर बंदे ने साइड नहीं दी हमें, फिर हमने थक हार के थार वाले को आगे जाने दिया। अब वो भी 2-3 किलोमीटर से बेचारा कोशिश कर रहा है कि उसको भी मिल जाए साइड, लेकिन ये ट्रक वाला बिल्कुल भी अपना जो है बदल नहीं रहा स्वभाव, और एकदम बस बीच में गाड़ी चलाया जा रहा है, और बिल्कुल भी फेंक दे रहा है और बिल्कुल भी साइड नहीं दे रहा है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग हो रहा है इसको देखना, थोड़ा सा मैं ये रिकॉर्ड करती हूँ, इनकी भी देखो अभी आपको देख के समझ में आएगा कि बेचारा थार वाला भी कोशिश अभी करके पीछे हटा था, साइड उसने हार मान ली, बेचारा इतना डरा डरा के चला रहा है। ये मिलेगी चाय भाई, मैंने तो हार मान ली। ओह फाइनली 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 इसने दे दिया, क्योंकि उसको रुकना था यहाँ पे।
सा रास्ता लग रहा है ना रघु, बड़ा ही स्मूथ और एकदम बस बिल्कुल नया है ये, हम भी कभी आए इसमें। हाँ ये देखो टाइम देखो, 200 किलोमीटर है और सिर्फ हमको लगने वाले हैं 3 घंटे 8 मिनट ऋषिकेश से दिल्ली 3.5 घंटे। सो जी फाइनली पहुंच गई हूँ मैं घर अपने, रात के बज रहे हैं 1:30। बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी और मुझे लास्ट के 1 घंटे की ड्राइव में इतनी नींद आ रही थी लेकिन किसी तरीके से चाय पी के एक बार जगे रहे और बस अब ये सामान सब फैला हुआ है, इसको मैं कल ठीक करूँगी, अब जाके सोना है मुझे। आई होप आप लोगों को व्लॉग देख के बहुत मज़ा आया होगा क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें, मंदिर वगैरह, रास्ते वगैरह कैप्चर करे थे। बस ऐसे ही देखते रहिए हमारे व्लॉग और लाइक करिए और चैनल को करिए सब्सक्राइब। गुड नाइट, बाय बाय।